हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और ट्रेन दुर्घटना की न्यूज़ सामने आ रही है। यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं, मथुरा से झांसी की ओर जा रही पातालकोट एक्सप्रेस की दो बोगियाँ बुधवार को भंडई रेलवे स्टेशन के पास तेज धमाके के बाद आग लग गई है। इसके अंदर कोच में यात्रा कर रहे लोगों में दहशत और भगदड़ का माहौल हो गया। अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी थी। हालांकि इसके अंदर बताया जा रहा है 13 यात्री जो है वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दूं, ट्रेन की आग की लपटें इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से दो बोगियां जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। हालांकि तीन बोगियों में आग लगी थी लेकिन दो बोगियां बिल्कुल जलकर खत्म हो चुकी। यहां पर आप देख सकते हैं 13 लोगों में 7 लोग SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए जबकि 6 लोग सोलंकी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे, जो लोग घायल है। यहां पर आप विजुअल देख सकते, ये घटना जो 3:45 की है, उस समय ट्रेन की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर थी। दोस्तों, आग किन कारणों से लगी इसका अभी कंफर्मेशन नहीं आ पाया। जांच में जुटी है रेलवे की टीमें, ऐसा बार बार हो रहा है रेलवे की तरफ से, क्या लापरवाही बरती जा रही है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।